नमस्कार, मैं हूँ रौनक और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट के खास शो खबर ट्रेंडिंग है में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि आपका पसंदीदा शो वापस आने वाला है। बिना देर किए चलिए बताती हूँ आपको पूरी खबर। मेरे वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और बने रहे लास्ट तक। टीवी के मशहूर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के फैंस काफी दिनों से इसी शो का इंतजार कर रहे थे। दरअसल फरवरी में शो ऑफ एयर हो गया था, इस वजह से फैंस काफी निराश हो गए थे। लेकिन अब उनके लिए खुशखबरी है। खबर ये है कि कपिल शर्मा शो अगले महीने से टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला है, यानी कि शो अगले महीने ऑन एयर होने वाला है। शो की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। बीते दिनों कपिल शर्मा एक बार फिर से पिता बने हैं और कहा यह भी जा रहा है कि पत्नी गिन्नी के साथ वक्त बिताने के लिए ही कपिल ने काम से ब्रेक लिया था। कपिल एक बार फिर से काम पर लौट चुके हैं और रेडी हैं अपने फैंस को हंसी का डोज देने के लिए। खबरों की माने तो इस बार कॉमेडी शो की टीम में कुछ नए कलाकार भी जुड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो कृष्णा अभिषेक, कीतु शारदा, भारती सिंह, सुमोना चक्रवर्ती, चंदन प्रभाकर, अर्चना पूरन सिंह, ये सभी शो का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि कपिल शर्मा का ये टीवी शो मोस्ट सक्सेसफुल कॉमेडी शो में से एक है। इस शो की टीआरपी हमेशा टॉप पर रहती है और बार्क रेटिंग में कपिल शर्मा का शो टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। खबरों की माने तो सुनील ग्रोवर आगे शो का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि इनके फैंस की हमेशा डिमांड रहती है कि वह दोनों शो में एक साथ फिर से काम करें। फिलहाल तो ये होता नजर नहीं आ रहा है। सुनील ग्रोवर इन दिनों अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स और वेब सीरीज में काफी बिजी हैं। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या कपिल और सुनील एक साथ काम करते हैं या नहीं, क्योंकि दोनों के साथ आने की वजह से शो को काफी फायदा होने वाला है। खबर ट्रेंडिंग है कि आज के इस शो में फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मिलूंगी एक नए ट्रेंडिंग खबर के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मेरे वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।